मेरे को देख लेने दे। और वो तो सो रहा है, मैं उसे दूर से ही देखकर चली जाऊंगी, दूर से ही। आइए। सत श्री अकाल बेबे। सत श्री अकाल। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं नामिया मैं जानता हूँ बेबे, आप यहाँ क्यों आई? आप यही जानने आई है ना कि 20 साल पहले मैंने जसविंदर और शमशेर का मिलन क्यों नहीं होने दिया, है ना बेबे? हाँ, पर अब पूछने का क्या फायदा, तू तो बड़ा असूलों वाला है ना। गलती की मैंने यहाँ आकर? नहीं नहीं बेबे, आपने कोई गलती नहीं की है, आपने अच्छा किया जो यहाँ आ गई, मेरे सर से भी थोड़ा बोझ उतर जाएगा। देखो बेबे, अगर उस वक्त शमशेर और जसविंदर मेरे पास आते और अपने प्यार का इजहार करते तो मैं इन दोनों की मदद कर देता, इन दोनों का ब्याह करवा देता। पर घर से भागना तो गलत था ना, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और बेबे मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है, है ना बेबे? कसूर किसी बंदे का नहीं होता ना मियां, हालात का होता है। मैं जानती हूँ तू गलत नहीं था, वो वक्त ही ऐसा था। अपने दिल पे कोई बोझ मत रखना, ये सब वक्त का खेल है, वक्त ही इसे ठीक करेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। सत श्री अकाल बेबे। सत श्री अकाल। आधी रात को किधर चली गई थी बेबे? रुड जानिया, मैंने कभी तुझसे पूछा है कि कहाँ कहाँ जाता है तू दिन में? अच्छा जी, तो अब तू मुझसे छिपाने भी लग गई है? हाँ छुपाने लग गई हूँ, बिठा दे इंक्वायरी मेरे ऊपर, लगा दे सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे। ओए बेबे तुझसे तो बात करना बेकार है, और तुझसे बात करने से अच्छा बंदा दीवार पे अपना सर मार ले।
पैर टूट पैने आ। इतनी बड़ी महाभारत खड़ी करके अब कहां जा रहा है पीठ दिखाकर? जरा पूछ तो सही, मैं किससे मिलकर आ रही हूं? ओए किससे मिलकर आ रही है तू बेबे? था कोई मेरा अपना, अरे मेरी हीरोइन, मुझे तेरे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। लक्षण तो तेरे ठीक नहीं थे। क्यों? बकवास कर रहा है मेरे सामने। गुरुद्वारे गई थी मैं, वही कोई पुराना अपना मिल गया था मुझे, बस उसी के साथ देर हो गई। ये लो, इन्नी सी बात ते इन्ना बड़ा स्यापा। चल हुण रोटी लगा दे, भूख लग रही है। ओ सुन रही है बेबे?